सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं आश्चर्य हूं कि मैं आज कैसे संडे को इतना जल्दी उठ के नहा धो के फ्रेश हो चुका हूं। आई डोंट नो, मैं रात को कल एक्चुअली लेट सोया, 2:30 बज गए सोते सोते, बिकॉज खाना वगैरह खाने में लेट हो गया। सो खाना खा के फिर सीधा घर पे आए सोए। सो 2:30 बजे सो के मैं 8:30 बजे उठ भी गया। सो पता नहीं कैसे अपने आप नींद खुल गई और नींद पूरी भी हो गई, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी नींद पे मैं उठा हूँ। बाकी फ़िलहाल ऐसा कुछ है, बाहर का माहौल चेक कर सकते हैं दुबई का। आज कुछ अजीब सा वेदर है, अभी धूप निकली है, बाद में कभी बादल आ जा रहा है, पूरा अंधेरा हो जा रहा है, कभी फिर धूप आ जा रही है। थोड़ा डिफरेंट वेदर चल रहा है आज दुबई में। सो अब चलते हैं, अमन भाई किचन में मैगी बना रहे हैं। सो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, मैगी वगैरह खाते हैं सुबह, और फिर उसके बाद रेडी होकर निकलते हैं सीधा शॉपिंग वगैरह के लिए। आज काफ़ी बिजी दिन होने वाला है। सो जहाँ भी जाऊँगा, जो भी चीज़ खरीदूँगा, आप लोगों को सब अपडेट दूंगा, इन्फॉर्म करूँगा। सो चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं बाहर शॉपिंग के लिए। सर गाइज, मैं निकल चुका हूँ घर से शॉपिंग के लिए और अभी टाइम हो रहा है 11:20, 11:30 बजने वाले हैं और मैं हूँ अमन भाई है साथ में। सो चलते हैं, पहले यहाँ से जा रहा हूँ डे टू डे में एक दो चीज़ है, उसका प्राइस चेकआउट करना है, क्वालिटी चेकआउट करनी है, और उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे सीधा मीना बाज़ार। सो मैं जा रहा हूँ शरफ डी जी वाले डे टू डे में, मेरे नज़दीक दोनों डे टू डे है, शरफ डी जी बुर्जुमान। सो चलते हैं शरफ डी जी वाले डे टू डे में, यहाँ से जो भी सामान है वो ख़रीदता हूँ। और मैंने इसलिए ये बैग ले लिया है पीठ पे, ताकि जो भी सामान रहेगा पीठ में डाल सकते हैं या तो थैली में कैरी कर लेंगे। सो चलता हूँ, आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है, शॉपिंग भरा होने वाला है। सो जो जो चीज़ खरीदूँगा सब कुछ आपको प्राइस वगैरह बताऊँगा। फ़िलहाल ऐसा कुछ है, बाहर का माहौल आप चेक करें, मीना बाज़ार का, बर दुबई का। सो चलो चलता हूँ लेके आप लोग को, जहाँ जहाँ जाऊँगा प्राइस वगैरह सब कुछ बताऊँगा आपको। सर गाइज, हम आए थे डे टू डे, मगर जो चीज़ मैं लेने आया था स्पेशली वो चीज़ है नहीं यहाँ पे, और यहाँ के स्टाफ इतने गधे हैं कसम से यार, कोई चीज़ पूछो खाली बता दे रहे हैं वहाँ है, वहाँ है, वहाँ जाके ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। सो इतनी ख़राब कस्टमर सर्विस है यहाँ पे डे टू डे की। और चलता हूँ अभी यहाँ से निकलते हैं, कुछ रुक के मतलब नहीं है, बिकॉज जो चीज़ लेनी है वो चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। तो निकलते हैं और चलते हैं सीधा मीना बाज़ार और देखते हैं वो चीज़ कहीं और ढूंढूंगा, मिली तो ठीक है। सर गाइस, हम लोग डे टू डे से आ चुके हैं बाहर, वो था सामने डे टू डे शरफ डी जी का, और अब हम लोग आ गए हैं खालिद बिन वालिद स्ट्रीट पे, और हम लोग जा रहे हैं मीना बाज़ार, बिकॉज वॉचेस वगैरह लेनी है और एक दो सामान है वो सारा लेके ख़त्म करना है। सो चलते हैं अब, वॉच वगैरह लेते हैं, चॉकलेट्स वगैरह जो भी है, यहाँ से बनियास भी जाएंगे कुछ शॉपिंग करने। सो पहले मीना बाज़ार में जो भी चीज़ है लेके ख़त्म करते हैं, फिर निकलेंगे मीना बाज़ार के लिए, मेट्रो से जाएंगे। सर गाइज, अब हम लोग प्रॉपर मीना बाज़ार में एंटर कर चुके हैं, ये चेक करें, सब शॉपिंग वगैरह की एरिया है और इधर कार वगैरह लेके सारी ट्रैफिक हो रही है। यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह की शॉप्स हैं, डेट्स वगैरह है, चेक करें अंदर पूरा। सो हम लोग एक्चुअली एक वॉच ढूँढ रहे हैं, वो वॉच मिल नहीं रही है कहीं, लेट्स सी, और एक दो दुकान देखते हैं, जहाँ भी लूँगा अच्छा लगेगा वहाँ मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बाकी हर शॉप में नहीं दिखा रहा हूँ बिना मतलब का कुछ, जब लेना नहीं है तो। जिस शॉप से लूँगा वो शॉप से प्राइस वगैरह आपको दिखाऊंगा या कौन सी ले रहा हूँ। सो अब चलते हैं सीधा मीना बाज़ार प्लाजा में, जहाँ पिछली बार मैंने वॉच लिया था, वहाँ चल के चेकआउट करते हैं कि कुछ कोई कलेक्शन वगैरह है या नहीं, बाकी बुर्ज खलीफा देखें। सर गाइस, एक बार फिर से मीना बाज़ार प्लाजा में आया था मैं, जहाँ से लास्ट टाइम मैंने T5 की वॉचेस ली थी, आपको पता है वो ब्लू कलर की जो मैंने T5 के रेंज में से ली थी। सो अब फाइनली वापस एक घड़ी यहाँ से ले रहा हूँ, और काफ़ी रेंज थे इनके पास, वैरायटी थी, नेवी फोर्स में, सेविस्टन में, कैशियो में, सो सब चेक किया यहाँ पे वॉचेस। सो सब में से मुझे ये सेविस्टन की ऑटोमेटिक वाली काफ़ी पसंद आई, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे ये जो सन देख रहे हैं, यहाँ पे टाइम के हिसाब से सन एंड मून, मतलब जैसा दिन रात रहेगी वैसा वो चेंज भी होता है, और ये ऑटोमेटिक है। सो ये वाली वॉच एक लिया हूँ मैं, और सेविस्टन की ये बैग वगैरह चेक कर सकते हैं, और अच्छे रेंज में अच्छे प्राइस में मिला है। बाकी देखता हूँ और कुछ है शॉपिंग के लिए, वॉच वगैरह तो लेते हैं, वरना फिर ये पैक करके यहाँ से निकलते हैं दूसरे जगह के लिए, और देखते हैं और कुछ पसंद आता है तो लेता हूँ। सर गाइज, ये है वो मीना बाज़ार प्लाजा जहाँ से मैंने वॉच लिया है। सो आपको अगर वॉचेस वगैरह की शॉपिंग वगैरह करनी होगी ना, सो यहाँ पे आना, काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल रेट में आपको वॉचेस वगैरह मिल जाएंगी,
और मीना बाजार का हाल चेक कर सकते हैं, ट्रैफिक और रश कितना है पूरा। आज बिकॉज संडे है ना, तो सभी लोग शॉपिंग वगैरह करने निकले। और यहाँ पे आईफोन की लाइन देखें, ये चेक करें, आईफोन 15 चेक करें, 15, 15 प्लस, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, पूरी लाइन लगी है 15 की। सो चलते हैं, देखते हैं। मुझे अब परफ्यूम्स वगैरह लेना है, उसके बाद स्मार्ट वॉच एक लेना है, देखता हूँ स्मार्ट वॉच कहाँ से लेता हूँ। नॉर्मल बेसिक स्मार्ट वॉच ही चाहिए, कुछ खास इतना खासा हैवी लुक नहीं चाहिए। चलता हूँ, देखता हूँ, चेक करता हूँ, जहाँ भी मिलेगा लेता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को। गाइस मैं आया था यहाँ पे रियल चीज़ सोडा सैंडविच और पिज्ज़ा शॉप में। यहाँ पे हमने ये दो दो दिरहम का जीरा लिया है, सोडा जीरा। अमन भाई पी के बताओ कैसा, इंडिया वाला स्वाद है कि नहीं, इंडिया वाला? और दो दिरहम में गाइस, इंडिया का वही 40 रुपए हो रहा है। हालांकि इंडिया में 10 रुपए में मिलता है सोडा, मगर यहाँ पे 40 रुपए में है। बट कोई नहीं, रेट का फ़र्क तो रहेगा ही। सो चलते हैं जी, सोडा वगैरह पीते हैं, उसके बाद देखते हैं मीना बाज़ार में कुछ और है खरीदने लायक तो देखते हैं, अदरवाइज सीधा निकलते हैं फिर बनियास के लिए, वहाँ पे चल के नैफ वगैरह में शॉपिंग करते हैं। सो यार गाइज, अब हम लोग हैं शरफ डीजी मेट्रो स्टेशन के पास और मीना बाज़ार से निकल चुके हैं। मीना बाज़ार से बाकी कुछ लिया नहीं, सिर्फ एक वो वॉच लिया और कुछ खासा पसंद नहीं आ रहा था। सो अब हम लोग जा रहे हैं बनियास स्क्वायर, ये सामने शरफ डीजी से हम लोग लेंगे मेट्रो और चलते हैं बनियास स्क्वायर। बनियास स्क्वायर से वॉचेस वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, खजूर जो भी है, खजूर मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट संडे लूँ, बिकॉज अभी से रखना वो ख़राब भी हो सकता है, तो खजूर नहीं लूँगा। बाकी जो जो चीज़ें हैं वो चल के बनियास से देखते हैं क्या क्या लेता हूँ, आप लोग को अपडेट करता हूँ मैं। गाइज़ हम लोग आए थे गिफ्ट सेंटर में और यहाँ पे ये थोड़े जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं वो ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ के अरब्स के रूम फ्रेशनर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। सो हमने ये वाला एक लिया है, इसको जो चारकोल रहता है उसके ऊपर ऐसे चार पांच जो पीसेस हैं अंदर छोटे छोटे, वो रख के आप शाम के टाइम जो घर में धुआं करते हैं ना धूप, वैसा कर सकते हो। और ये रूम फ्रेशनर्स हैं। सो हमने ये दो फ्लेवर का मैंने लिया, एक ब्लैकबेरी है और एक ये लेमन वाला है। और जो ऊद है ये मैंने सेम फ्लेवर का दो ले लिया है, ये वाला। सो ये हो गया है यहाँ पे। फिर निविया की क्रीम लिए मैंने, सॉफ्ट निविया क्रीम। बाकी और देखते हैं, कुछ पसंद आता है तो लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट। सो यार गाइस, बिरयानी पुलाव वगैरह सब खा के हो चुका है। ये है सामने जो किचन देख रहे हैं, सैफ अल मदीना किचन, यहाँ से हमने वो पुलाव, मटन पुलाव और मटन बिरयानी खाई है। बाकी ये पूरा फर्नीचर मार्केट है, चेक करें, वहाँ पे हर जगह आपको फर्नीचर नज़र आ रहे होंगे, सारे सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फ्रिज वगैरह, बेड स्पेस के लिए जो बेड्स यूज़ होते हैं, ये देखें सारे बेड हैं वो बंकर बेड। तो अब चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। मैं दूसरे मोबाइल में लोकेशन लगा रहा हूँ अल गुरेर मॉल का, ब्रांड फॉरलेस, वहाँ चल के फिर ब्रांड फॉरलेस से जो मेरा ऑर्डर है वो पिकअप कर लेते हैं। सो यार गाइस, मैं आ चुका हूँ यूनियन मेट्रो स्टेशन के बाहर, ये चेक करें, यूनियन मेट्रो स्टेशन एग्ज़िट 2, और वो है सामने अल गुरेर मॉल कैलीफोर, चेक करें, कैलीफोर है और उसके पीछे अल गुरेर मॉल। सो अब चलते हैं, उसमें ब्रांड फॉरलेस है, वहाँ से मुझे मेरा इन स्टोर पिकअप मैंने रखा था मेरे कपड़े के लिए, मैंने 2-3 कपड़े ऑर्डर किए थे। सो चल के वहाँ से वो पिकअप करते हैं और फिर सीधा निकलेंगे घर के लिए, बिकॉज वहाँ पे इंडिया का मैच भी चालू है, 3:30 बज रहा है। सर गाइज, हम आ चुके हैं ब्रांड फॉरलेस में, ये चेक करें, अल गुरेर मॉल के, और हम लोग जा रहे हैं नीचे, किधर है ब्रांड फॉरलेस, ये रहा ब्रांड फॉरलेस, ये देखें। चलते हैं स्टोर पिकअप करते हैं और कुछ अच्छा है लेने लायक तो दिखाता हूँ आप लोग को, और कुछ अच्छा रहेगा तो लेते हैं, अदरवाइज़ जो स्टोर पिकअप है वो करके फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। सर गाइज, हमने ये पार्सल रिसीव कर लिया है, चेक करें, 2 बैग है ब्रांड फॉरलेस के, और बाकी कुछ खासा और पसंद आया नहीं मुझे अंदर ब्रांड फॉरलेस में। वैसे पसंद तो काफ़ी चीज़ें आ रही थी, हुडीज़ और जैकेट्स वगैरह, लेकिन अभी ये जब ऑफ़र चल रहा था, डिस्काउंट था, तब मैंने ये लिया था, अभी फिलहाल प्राइस वगैरह सारी इंक्रीज़ हो गई है। सो अब चलते हैं, अमन भाई है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं फटाफट, 4 बज गए, और घर चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर 5 बजे निकलेंगे अपने मीटअप के लिए। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, मैं इस वक्त हूँ मेरे घर पे और शाम का ऐसा कुछ माहौल है दुबई का, भर दुबई का, मेरे बैल्कनी से व्यू चेक करें आप,
ब्यूटीफुल सी इवनिंग और अभी टाइम हो रहा है 5:20, 5:30 होने वाले हैं और मैं थोड़ा सा हो चुका हूँ लेट हमारे जो मीटअप के लिए, बिकॉज मैंने टाइम दिया था 5:30 बजे का, बट बनियास वगैरह से आने में खाना वाना खा के काफ़ी लेट हो गया। उसके बाद कल वाली वीडियो मैंने एडिट नहीं की थी, मैंने तुरंत एडिट की, अपलोड की, अभी टाइटल थंबनेल डालना भी बाकी है। सो रस्ते में जाते जाते बाकी सब काम खत्म करूँगा। अभी फिलहाल फटाक से यहाँ से निकलते हैं मैं और अमन भाई और सीधा चलते हैं लोकेशन पे, देखते हैं कितने लोग आते हैं, कितने लोग मिलते हैं और जो भी मिलेंगे, खैर कोई मुझे कोई दुख नहीं है कोई आए ना आए, बट खैर मेरा बस ये था कि लोग बोल रहे थे मिलने के लिए, अगर आ जाएंगे तो अच्छा है, मिलके बातचीत कर लेंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं, घूम फिर के हम आ जाते हैं। सो चलो चलता हूँ, देखता हूँ जो भी आएंगे सबसे आपको मिलवाता हूँ और फिर आगे की बातचीत जो है आप लोग से करते हैं। सर गाइस, मैं आ चुका हूँ हिंदू टेम्पल के पास, लगभग बस ये मस्जिद के पीछे है हिंदू टेम्पल और ये अपना दुबई म्यूज़ियम बर दुबई का। सो चलो चलते हैं, लेट हो गया काफ़ी यार, मैंने 5:30 का टाइम दिया था और 6 बज रहा है। आई थिंक 2-3 लोग आके वेट कर रहे हैं, मेरे को मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पे। सो लेट्स सी, चलते हैं, बस 2 मिनट और लगेगा, यहाँ से निकलते हैं फटाक से और लोकेशन पे चल के मिलते हैं, देखते हैं कितने भाई आए हैं। सर गाइस, मैं इस वक्त हूँ हिंदू टेम्पल के पीछे बर दुबई वाले, ये चेक करो, यह है आबरा और यह है वो अपना हिंदू टेम्पल। हम लोग आए थे मीटअप के लिए, मैंने बोला था आप लोगों को कि मीटअप रखा है यहाँ पे भाई लोग। सो ये भाई हैं अपने, ये एक थे और एक ये भाई हैं आए, दोनों लोग मुंबई से। अपना नाम और बता दो, कहाँ से हो? मुंबई से हो क्या आप? उल्लासनगर। सो ये दो लोग भाई लोग आए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ज़्यादा लोग आएंगे, बट दो लोग आए और काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग अराउंड 6:30 को आए थे, बातचीत किए, अब चलते हैं, 7 बज रहा है, निकलते हैं हम लोग, ये भी जाएंगे अपने अपने बेड स्पेस से रूम पे और फिर चल के हम भी काम वगैरह करते हैं, फिनिश करते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आप लोग से थोड़ी देर। सर गाइस, आज के डिनर में बना रहे हैं सॉसेज, यहाँ पे चेक करें प्याज और टमाटर अच्छे से लाल हो रहा है, ग्रेवी के लिए पक रहा है और यहाँ पे हमारा सॉसेज ऑलरेडी चॉप करके फ्राई करके रेडी है, छोटे छोटे पीसेस में चॉप किया है और ये एक 2 बड़े पीसेस फ्राई किए। सो चलते हैं डिनर वगैरह बना के, फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से। सर गाइस, ये आ चुका है हमारा आज का डिनर, सॉसेज है यहाँ पे, ये टिफिन के लिए पैक हो गया है, वहाँ पे अमन भाई की प्लेट में लग चुका है, उसके साथ है ये पराठा और ये खरबूज रोटी। सो चलता हूँ फटाफट डिनर करके, फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से। सो हे गाइस, खाना पीना हो चुका है और 11 बज चुके हैं, आज भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, आज तो खैर लेट होना जायज था बिकॉज बाकी सारे बहुत सारे काम निपटाने थे और अभी जाके आज मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, प्रॉब्लम मतलब सीरियस इशू है एक्चुअली। मैं अभी तक सामान खरीदते जा रहा था कि भाई अभी तो 15-20 किलो ही हुआ होगा और मेरा टोटल लगेज अलावेंस है 37 kg, मतलब 30 kg चेक इन बैग है और 7 kg हैंड बैग है और अभी जस्ट मैंने बोला ऐसे ही चलो चेक कर लेता हूँ कि कितना है, उसके हिसाब से मैं सामान और ख़रीद लूँगा। सो मैंने जब अभी लगेज चेक किया मेरा, सो अभी ही वो लगेज 36 kg लगेज, मैं चेक इन की बात कर रहा हूँ अभी, तो हैंड बैग मैंने काउंट ही नहीं किया, प्लस मैंने अभी बहुत मतलब एक जो खजूर वगैरह रहता है, चॉकलेट्स वगैरह रहते हैं और मेरे कपड़े हैं, ये सब तो मैंने अभी चेक ही नहीं किया 10-15 किलो। सो इस वजह से अब मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है कि क्या करूं मैं, मेरा 15-20 किलो वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अब मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, मुझे 10 kg का एक्स्ट्रा पे करके अभी ही जो मेरा फ्लाइट है एयर इंडिया का, उनसे बात करके मुझे लगेज का मेरे को वेट बढ़ाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, अभी चेक करता हूँ मैं जो भी है अपडेट, आज तो खैर अभी रात हो गई है, कल मैं इंडिया से किसी से बात करके फ्रेंड वगैरह से कॉल सेंटर में कॉल करवाता हूँ एयर इंडिया के और रेट चेक करवाता हूँ कि 10 kg अगर मैं एक्स्ट्रा लगेज करवाता हूँ तो कितना चार्जेस आएगा अभी से ही, बिकॉज एयरपोर्ट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेज लेके जाऊँगा तो दिरहम में काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ पहले से ही मैं एक्स्ट्रा करवा लूँ। बाकी आज दिन भर की बात करूँ तो आज सुबह से उठे, शॉपिंग में ही पूरा दिन निकल गया, इधर से उधर अलगुरेर गए, वहाँ से वो कपड़े वगैरह लेके आए ब्रांड फॉरलेस से, फिर उसके बाद शाम के टाइम चले गए मीटअप, था मीटअप में काफ़ी मज़ा आया, मतलब 2 लोग आए थे, मुझे संतुष्टि मिली, 2 लोग भी आए मिले, अच्छे से बातचीत की, हम लोग ने सेल्फी वगैरह लिया, आप लोग को दिखाया, मैं जो 2 लोग आए थे उनसे मिलवाया और दोनों लोग मुंबई से ही थे, मैं भी मुंबई से ही हूँ। सो काफ़ी मज़ा आया, बातचीत थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किए, सो ऐसा ही था, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा था मिलते हैं बातचीत करते हैं, बट खैर कोई बात नहीं, आप लोग बिजी हो गए इस वजह से नहीं आ पाए, अब नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे मीटअप, आप अवेलेबल होगे तब मिलते हैं। और बाकी कुछ खास है नहीं वीडियो में आप लोग को बताने लायक करने लायक, मेरे को अब मेरे दिमाग में वो बात घूम रही है लगेज की कि कैसे क्या करूँ, क्या जुगाड़ लगाऊँ, बट देखते हैं अभी 1 हफ्ते का टाइम है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी फिलहाल चलते हैं आज के ब्लॉग में, बस बाकी कुछ है नहीं, आज ऑलरेडी 11 बज गए, फटाफट वीडियो एडिट करता हूँ और फिर सो जाऊँगा, कल से जॉब जाना है, 1 हफ्ता बचा है लास्ट का, 1 वीक काम करते हैं।
सो चलते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।